दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि Oppo का F9 Pro इंडिया में बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। इसको लेके मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जहां पे आप लोगों ने उस वीडियो को काफी पसंद भी किया था। तो वहां पे जो है दोस्तों इसके स्पेक जो है सामने निकल के नहीं आए थे बहुत ज्यादा, और अब जो है दोस्तों इस फोन के स्पेक जो है लगभग सामने निकल के आ गए। हमें पता चल गया है कि इसका कैमरा कैसा होने वाला है, इसमें बैटरी कैसी मिलने वाली है, और बाकी इसकी प्राइस जो है उसका भी आइडिया हम लोग को लगभग लग गया है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं सारी चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा क्या कुछ फीचर्स के साथ ये फोन लॉन्च होने वाला है, इसकी प्राइस क्या हो सकती है इंडिया में, और कब तक ये फोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है। सारी डिटेल्स इस वीडियो में, तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो वो भी जल्दी से कर दीजिए। दोस्तों ओप्पो जो है धीरे धीरे ट्रैक पे आने की कोशिश कर रही है और हमारे लिए एक से बढ़कर एक नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की कोशिश कर रही है, और इसी कोशिश में दोस्तों ओप्पो जो है अपना एक नया स्मार्टफोन ला रही है जिसका नाम है ओप्पो F9 Pro। और इसका डिजाइन जो है दोस्तों काफी यूनिक है, इसमें आपको नॉच जो है काफी छोटी देखने को मिलती है। दोस्तों अगर हम ध्यान दें अदर नॉच वाले फोन की तो वहां पे हमको काफी बड़ी नॉच देखने को मिलती है, लेकिन यहां पे जो है आपको काफी छोटी नॉच देखने को मिलती है, यानी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो है इस फोन का काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा अदर नॉच वाले फोन के मुकाबले। इस फोन का जो डिस्प्ले है दोस्तों वो बताया जा रहा है कि 6.3 इंच का डिस्प्ले आपको इस फोन में देखने को मिलेगा, जो कि एक फुल HD प्लस डिस्प्ले होने वाला है। और इसमें जो प्रोसेसर है दोस्तों वो मीडियाटेक का हीलियो P60 बताया जा रहा है रिपोर्ट के मुताबिक, और इसमें आपको 4GB की रैम, 64GB की स्टोरेज और 6GB की रैम, 128GB की स्टोरेज देखने को मिल सकती है। कैमरा की अगर बात करें दोस्तों तो कैमरा में आपको काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, खास करके रियर कैमरा में। ओप्पो F7 में हम लोग को 16MP का रियर कैमरा मिलता था, लेकिन यहां पे आपको 16+16MP का डुअल रियर कैमरा देखने को मिल सकता है, और जो फ्रंट कैमरा है वो फ्रंट कैमरा 25MP का ही देखने को मिलेगा आपको इस फोन में। और आपको बता दें दोस्तों कि ओप्पो का जो कैमरा होता है वो काफी अच्छा होता है। ओप्पो का जो रियलमी 1 है वो सिर्फ 9000 में आता है 3GB वेरिएंट, तो उसका भी कैमरा काफी अच्छा था, तो यहाँ पे आपको कैमरा जो है काफी अच्छा देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों हम बैटरी की, तो यहाँ पे 3400mAh की बैटरी बताई जा रही है कि इस फोन में आपको 3400mAh की बैटरी मिलेगी। साथ में दोस्तों आपको सुपर वोक फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, जिसके मदद से आप अगर 5 मिनट फोन को चार्ज करते हैं तो 2 घंटे का बैटरी बैकअप आपको इस फोन में देखने को मिल सकता है, तो काफी अच्छी बात है ये। दोस्तों बाकी अदर चीजों की बात करें तो ये फोन जो है एंड्रॉइड 8.1 ऑडियो पे रन करेगा कलर OS पे, और साथ ही दोस्तों इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो भी देखने को मिल जाएगा, फेस अनलॉक का भी फीचर इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर इसके प्राइस की बात करें तो जो 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ आने वाला है उसकी प्राइस लगभग आपको 22,000 से 25,000 के बीच में देखने को मिल सकती है। दोस्तों अगर इस फोन के लॉन्च डेट को लेकर बात करें तो ये फोन जो है अगस्त में लॉन्च होने वाला है, ये कंफर्म नहीं है कि किस डेट पे लॉन्च होगा, ये हमें जल्द ही पता चल जाएगा, लेकिन ये फोन जो है दोस्तों काफी अच्छा होने वाला है। इसमें आपको काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं, खास करके इसका जो नॉच का डिजाइन है वो मुझे पर्सनली काफी पसंद आया, और इसमें दोस्तों आपको ग्लास बैक बॉडी देखने को मिल सकती है जैसा कि इमेज में देख के लग रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों तो काफी अच्छा फोन होने वाला है, लेकिन सब चीजें जो है प्राइस पे डिपेंड है। अगर प्राइस को थोड़ी बहुत ठीक रख पाती है ओप्पो तो ये फोन जो है काफी अच्छा परफॉर्म करेगा इंडियन मार्केट में। बाकी आप लोगों को कैसा लगा ये फोन दोस्तों मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मुझे तो पर्सनली फोन बहुत अच्छा लगा। अगर इसकी प्राइस जो है 20,000 से 22,000 के बीच होती है 4GB रैम 64GB स्टोरेज की तो काफी अच्छा हो सकता है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए।